नए DGISI की तकरीरी के लिए कानूनी तरीका वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है, वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। DGISI की तायुनाती की अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है, तकरीरी में कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, गुज़िश्ता रात इमरान खान और आर्मी चीफ में तवील नशिस्त हुई। नए DGISI की तायुनाती पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में इत्तफाक राय है। सिविल और मिलिट्री क़यादत में आइडियल ताल्लुकात हैं, फवाद चौधरी का दावा। बताया वज़ीर आज़म ऑफिस कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे फौज या सिपहसालार की इज्जत में कमी हो, फौज भी वज़ीर आज़म की इज्जत में कमी का इकदाम नहीं करेगी। खून से 8 सीटें कम थी, खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारा हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा आप फिक्र मत करें मेरे पे छोड़ दें। फिर आप सबको किस पता है जहाज चला, एक बाकायदा साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग करने की कोशिश की गई और मुझे अलग कर दिया। जहांगीर तरीन ने पंजाब में PTI हुकूमत पर अपना हक जता दिया। लोधना में बोले, पंजाब में PTI हुकूमत किसी और ने नहीं मैंने बनाई। PTI की नून लीग से 8 नशिस्तें कम थीं। इमरान खान ने कहा पंजाब के बगैर हुकूमत का फायदा नहीं, जिस पर मैंने कहा मुझ पर छोड़ दें। फिर जहाज चला और हमारी हुकूमत बन गई, मुझे साजिश के तहत इमरान खान से अलग कर दिया गया। मरियम नवाज को वापस जेल भेजा जाए, नैब की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त। मौकिफ अपनाया कि मरियम नवाज ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया, हर पेशी को सियासी थिएटर बना देती हैं, अदालती तकद्दस का ख्याल भी नहीं रखती, जमानत मंसूख की जाए। हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच कल एवनफील्ड रेफरेंस अपीलों पर समाप्त करेगा। बलूचिस्तान में इकतदार की लड़ाई, जाम कमाल का पार्टी सदारत छोड़ने से भी इनकार, इस्तीफा देने पर वजाहत दी। ट्वीट ही किया था, लिखकर थोड़ी दिया था। बाप के नाराज अरकान ने ज़हूर बुलेदी को पार्टी का कायम मकाम सदर बना दिया। अपोजिशन की नाराज अरकान को थपकी, तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की यकीन दहानी। डॉलर की यलगार, रुपए को फिर माप। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे इजाफे से 171 रुपए 4 पैसे की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। 3 माह में पाकिस्तान का तजारती खसारा 100% बढ़ गया। माहरीन ने खबरदार किया है कि डॉलर मजीद महंगा होगा, पेट्रोल दालें और चावलों के दाम बढ़ा। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का नायब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ लेने से इनकार। साबिक वज़ीर आज़म बोले ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमती चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी है, मुल्क की मसाल में इजाफा हो रहा है, किसी को परवाह नहीं। बाप की जगह बेटे को सरकारी मुलाजमत नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। ये कानून अजीबो गरीब है, सरकारी दफ्तर विरासत में मिलने वाली चीज नहीं। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। लाहौर में DHA भी गैर महफूज, चोरी की बड़ी वारदात, चोर घर से 1.5 करोड़ रुपए का सफाया कर गए। 100 तोले सोना, 50 लाख नकदी, 10 लाख गैर मुल्की करेंसी और 10 लाख के प्राइस बॉन्ड चोरी, मुलजिम खिड़की तोड़कर दाखिल हुए। मैं कह दिया गा लेकिन वो लेकिन ऐसा ये दे विच मेरा वो लिखा लुखा कोई नहीं है मेरा मोबाइल, बस वो सैमसंग का ही बन गया, तो भी थोड़े बहुत जो पैसे नहीं। 1.5 लाख रुपए का लिया है, ठीक है, एप्पल ID वगैरह भी अच्छी बनानी सी। नहीं तो इतना तो इतना गल करनी नहीं करना, मैडम ने लिया उन्होंने पता है। एक के बाद एक ऑडियो, हर दिन नई कहानी। ग्रेटर इकबाल पार्क वाकये में मुतासरा फरीक खातून टिकटॉकर, मजलूम या मुलजिम, फैसला फॉरेंसिक के बाद होगा। शवाहिद से छेड़खानी साबित हो गई तो टिकटॉकर की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस ने रैम्बो के मजीद 3 साथी गिरफ्तार कर लिए, तादाद 11 हो गई।
तमाम मुलजिमान को CIA सिटी के हवाले कर दिया गया। पंजाब के सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी पकड़ी गई। फयाजुल हसन चौहान ट्रैफिक चालान के भी नादहिंदा निकले। सेफ सिटी अथॉरिटी ने 7 चालान जमा ना होने पर गाड़ी पकड़ी तो पता चला कि नंबर प्लेट भी जाली है। सूबाई वजीर बरहम, IG पुलिस को खत लिख दिया। पंजाब के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नतीजे के मुंतजर तलबा के लिए खुशखबरी, रिजल्ट 16 अक्टूबर को आएगा। सूबाई काबीना ने ग्रेस मार्क्स की मंजूरी दे दी। तलबा की मेडिकल कॉलेजेस समेत अगली क्लासेस में पहुंचने में रुकावटें दूर। दाना सुबुल खत्मुल रसुल मौला कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियों में तेजी। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों, मसाजिद और बाजारों को सजाने में मसरूफ। मौसम ने अंगड़ाई ले ली। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश। लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद, नदी नाले भर गए। इस्लामाबाद, लाहौर, सवात, चित्राल में बादल बरसने की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। कद्दू को मामूली सब्जी ना समझें, ये आपको $20,000 भी जितवा सकता है। कैलिफोर्निया में सालाना वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ पम्पकिन। वाशिंगटन के हेलमेर ने 993 किलोग्राम वजनी कद्दू उगाकर चैंपियनशिप जीत ली।